वेलकम टू माय चैनल प्रिया क्राफ्ट मेहंदी एंड एक्टिविटीज। टुडे इज माय फर्स्ट व्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया सिंह और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग। आप लोग बताइएगा हमें कमेंट में कैसा लगा ये व्लॉग। मम्मी मुझसे कह रही थी बहुत देर से मैक्रोनी बनाने के लिए और मैं उनकी सुन नहीं रही थी, तो मुझे लगता है गुस्सा होकर वो छत पे चली गई हैं। जरा उनको बुला के लाते हैं, फिर उसके बाद मैक्रोनी बनाते हैं जाके। ओके मम्मी, अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। पहले मुझे मैक्रोनी उबालनी है, उसके बाद उसको बनाना है। मैक्रोनी उबालने के टाइम मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक, ताकि क्योंकि जो मैक्रोनी होती है ना उसको उबलने के बाद उसमें चिपके नहीं है एक दूसरे में, और नमक डालने से वो जल्दी से पक भी जाती है। चलिए अब इसको हम उबलने के लिए तैयार करते हैं, तब तक हम और भी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे खतरनाक काम करना है वो प्याज छीलना। क्यों? क्योंकि इसमें आंसू बहते रहते हैं, इसलिए रोना आएगा। हमारे क्या माय ना लगे, छिल जा सिम सिम। ऐसा ना बोलो। क्यों? सब्सक्राइबर क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि छिल जा सिम सिम, तो मेरे सब्सक्राइबर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, उनको भी मजा आएगा देख देख के वीडियो। कौन कौन देखता है अब ये सब लोग आज कमेंट करके बताएंगे ना, तब पता चलेगा कि आज कौन कौन देखता है मेरा व्लॉग, ये मेरा वीडियो। ये तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, पहली बार व्लॉग शूट कर रहे हैं, पहली बार सब लोग देखेंगे हमको और तुमको, दोनों को बातें करते हुए, है ना गाइस? पर हम तो नहीं दिख रहे। तुम नहीं दिख रही हो, चलो अभी तुम भी दिख जाओगे, तुमको दिखाएंगे जरूर आज। क्यों? मेरे दोस्त देख लेंगे। हमारे दोस्त देख लेंगे, देखने तो देखना चाहिए उनको, हमको देख लेते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज पहली बार व्लॉग बना रहे थे तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कैसे व्लॉग बनाए, क्या करें क्या ना करें, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग बताइएगा व्लॉग में कैसा लग रहा है, व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग बनाए या ना बनाए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, गौरी ने सही बात बताई है। हम देखते हैं ना, देखती है ना व्लॉग? व्लॉग नहीं देखते। फिर कुछ और ही देखते हैं जिसमें कमेंट बोला जाता है सब्सक्राइब करिए, जिसमें बोला जाता है कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए, वो देखते हैं और लाइक करिए। लाइक करिए, जरा साइड हो ना, धुल लो टमाटर। जब तक मेरी मैक्रोनी बॉइल हो रही है तब तक हम बाकी सारे मटेरियल तैयार करके रखने रहे। टमाटर है, प्याज है, मिर्ची है, धनिया है, ये सब कट कट करके रख लेंगे, उसके बाद फटाफट डालेंगे और बनाएंगे और खाएंगे, आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। ओके, देख देख के सबकी लार टपकेगी। हाँ, देख देख के सबकी लार टपकेगी, उनका भी मन करेगा हम भी खा ले। बिल्कुल मन करेगा, आप लोगों का भी मन करे तो बना के देखिएगा कैसा बनता है। हमें तो बहुत पसंद है, मेरा भाई लेके आया था मैक्रोनी, 2 दिन से कह रहा है बना दो बना दो बना दो, लेकिन नहीं सुन रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। थोड़ा कटोरा उधर करो ताली पर। हाँ बस। गाइस, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स भी बनाती हूँ और क्राफ्ट के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं मेरे, मेहंदी के भी पड़े हुए हैं, अगर आप देखिएगा, अगर आपको पसंद है तो बताइएगा फिर।
मैं और बना के डालूंगी मेहंदी के, मेहंदी के मैं सोच रही थी आजकल भी की वीडियो बनाऊं। किसके हाथ पे ना? अपने हाथ पे लगाते हैं, तुम्हारे हाथ पे लगाते हैं, किसी के भी हाथ पे लगाते हैं। हमारे तो लगाना बनाते नहीं। हमारे तो लगाना नहीं। क्यों? इवेंट चल रहा है। ब्लैक कभी व्हाइट? कहां ब्लैक व्हाइट, वो लाइट कम होती रहती है और ज्यादा होती रहती है ऑटोमेटिकली। जरा रुकना प्यार, वो मिर्ची अभी मेरा कोई सेटअप नहीं है ना, अभी मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया है कि देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, तो फिर कोई सेटअप बनाएंगे। अभी बस ऐसे ही काम चल रहा है धीरे धीरे। डांस का ये बनाइए, डांस के भी कुछ वीडियो बनाए हैं। हाँ वो तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे व्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं आ रहे हैं। ब्लॉग में देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और प्लीज मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊं इसके लिए आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बनाऊं या ना बनाऊं। यार मत थक, क्या बचा? धनिया बची है, उसको धुल ले। आनंद आए थे क्या? आए थे, चले गए। चले गए? अरे आते हैं। मच्छर है। ये मेरी मम्मी जो कि आई किचन में मोइना करने, कि हम कर क्या रहे हैं। मम्मी हाँ पहली बार ब्लॉग बना रहे हैं, अपने ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। चलो एक बार मैं थोड़ी चेक कर लें क्या हाल चाल है इसके। अभी नहीं हुई है, अभी हमारी मैक्रोनी रेडी नहीं हुई है, उसको उबलने में अभी बहुत टाइम है। क्या कट गया है? धनिया है, ये मिर्चा है, और ये टमाटर मैक्रोनी है जो कि थोड़ी सी अभी पानी में पक, इसमें थोड़ा सा टाइम है अभी। ये मसाला की पैकेट और अच्छी तो है नहीं। मेरे पास प्याज थोड़ा सा कटा हुआ, धनिया है, और ये मिर्ची है, और ये मेरे क्या है, टमाटर, टमाटर है मेरे पास, ये मैक्रो मैगी मसाला है, और क्या है बस, और सोया सॉस है बस। लेकिन सोया सॉस डालना नहीं है हमको, क्योंकि सबको पता है। थोड़ा सा तेल दिल में गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और जीरा पकने का वेट करेंगे। अदरक डाले कि ना डाले बताओ? क्यों बारी अदरक का डलती है? नहीं डलती तो है, पर हम नहीं डलती तो है, मगर डाले या ना डाले ये बताओ। स्वाद हो तो डालो, नहीं है तो ना डालो। कोई स्वाद नहीं है अदरक का, कोई स्वाद नहीं है, बेकार। मैक्रोनी तो हम बनाते हैं हर बार, लेकिन एक सीक्रेट चीज रहती है मेरी आपकी, हम सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे। मैक्रोनी बनानी है, उसके बाद गौरी खा के बताएंगे कैसी बनी है, और फिर मुझे अपने थोड़े से कपड़े ब्रश करने हैं, सुबह फिर से स्कूल जाना है। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, गौरी चली गई थी थोड़ा काम से, तो मेरा वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए ये आप लोग नहीं देख पाए ना, रह गया फिर से। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और मेरा ब्लॉग पसंद आए, तो आप हमको बताइएगा, तो हम अलग से रेसिपी डाल देंगे। हल्दी मिर्च, लेकिन वैसे मैंने इसमें प्याज डाला था वो ब्राउन हो गया, उसके बाद टमाटर डाला है, और मिर्च डाल दी थी हरी मिर्च, क्योंकि वो हरी मिर्च की कड़वाहट कम हो जाती है, और मेरे घर में किसी को वैसे भी कड़ू खाना पसंद नहीं है। थोड़ा सा रखा हुआ है मैगी मसाला,
मैगी मसाला से अलग ही टेस्ट आता है। वैसे तो हम इसमें पास्ता मसाला डालते हैं हमेशा, लेकिन इधर पहली बार ट्राई कर रहे हैं मैगी मसाला डालते हैं। मैगी मसाला तो सब्जी में भी डाला जाता है, सब्जी में भी डाला जाता है, उससे सब्जी और अच्छी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम इसलिए डाल रहे हैं, देखना है इस बार कैसा टेस्ट आता है। और ये जो मेरी धनिया है ना, हम धनिया को पहले ही डाल देते हैं मसाले में, इसलिए डाल देते हैं क्योंकि मैक्रोनी में जब ऊपर से डालू ना तो हल्की कच्ची कच्ची से लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कैसी लगती है गौरी तुम्हें? खाया नहीं है। और आपको कैसी लगती है? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही। क्या बोला था कि मेरा मैक्रोनी का जो सीक्रेट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और सीक्रेट मेरा यही है कि जो पाउच वाला आता है ना एवरेस्ट का, कैचे में मिक्स कर देते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये चीज़ वो किसान के साथ है अगर आपके पास, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे वो टेस्ट नहीं आता उतना अच्छा। मम्मी हम ब्लॉग बना रहे हैं आज पहली बार, कैसा लग रहा है मम्मी तुमको? मम्मी हमने इसमें मैक्रोनी डाल दी है, अब इसको इसमें मिक्स करेंगे। और पता है आपको, ये मिक्स करने के बाद उसका मसाला मिलाने के बाद जब इसको अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद फिर से इसमें एक वो केचप वाले जो पाउच है मेरे पास, उसमें एक और डालने चाहिए, इससे हल्की रेडनेस रेडनेस याद रहती है और बहुत बढ़िया लगता है। आज मेरे पास पास्ता मसाला नहीं है ना, तो देखो रेड रेड सा नहीं हो रहा है, तो कभी नहीं पास्ता मसाला, और मुझे डालना भी नहीं था क्योंकि मुझे आज चेक करना था मैगी मसाला से कैसी आएगी, क्योंकि अभी तक ना कभी भी हमने मैगी मसाला के साथ में नहीं बनाई, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैगी मसाला अच्छा बहुत लगता है, ये सब्जी वब्जी में सब में अच्छा लगता है, कभी मैक्रोनी में ट्राई किया किसमें कैसा लगेगा। तो अब डाल रही है केचप, तो ये था हमारा सीक्रेट, ये था हमारा सीक्रेट। एंड डाल खुला कौन छोड़ के रहता है, ऑफ कर दो टैब ऑफ करो। तो गाइस आप कमेंट करके बताइए कि आप पास्ता में क्या क्या डालते हैं, कैसी लग रही है हमारी मैक्रोनी? क्यों अच्छी है? अच्छी लग रही है। देखिए मैक्रोनी उसको ऐसे फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद गैस बंद कर देंगे और फिर गौरी खाके बताएंगी हमको कि कैसी बनी है मेरी मैक्रोनी। वैसे आप भी ब्लॉग बनाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना गुरी? और देखेंगे कि आप क्या बनाते हैं ब्लॉग में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसी है। हाय गौरी इतना पूछती है, कमेंट करके बताइए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो भी आप बता दीजिएगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो। जी गाइस मेरी मैक्रोनी बन गई है और कितनी यमी लग रही है, मजा आ रही है इसको देख के, तो मन ही कर रहा है अब तो खाने का, मेरी मन कर रहा है खाने का। चलो निकालते हैं ना। तो गाइस अब हम मैक्रोनी निकालने जा रहे हैं, गाइस ये गौरी है और ये गौरी मैक्रोनी खा रही है। गौरी कैसी बनी मैक्रोनी? अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। खा लो पूरी, खत्म कर दो, गुड। गाइस मैक्रोनी तो बहुत अच्छी बनी हुई है, देखिए आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छी बनी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये पहला व्लॉग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।